बट ऑन द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सोल्युबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट आप अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में भी थोड़ा सा स्टडी करके आए थे जब हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ी थी. सोल्युबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज़ की, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स किसी भी चीज़ के, जो कि सॉल्यूशन के केस में सोल्यूट होगा जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. तो मेरे पास क्या आएगी, उस चीज़ की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ बीकर जिसके अंदर मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद है. मैंने उठा के इसके अंदर जो है डालना शुरू किए कुछ ग्राम्स ऑफ NaCl, और ये सारा का सारा सिस्टम मेरे पास 25 डिग्री C के ऊपर मेंटेन था. तो टेम्परेचर मेरा सेम है, कांस्टेंट है, जो कि कोई भी हो सकता है. तो हम जिसको स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है एट 25 डिग्री C. 100 ग्राम्स वाटर के अंदर मैंने नमक डालना शुरू किया 25 डिग्री C के ऊपर. मैं डालता गया, वो डिसॉल्व होता गया, हत्ता कि एक स्टेज आई कि मज़ीद जो आपका सॉल्ट है वो डिसॉल्व होना बंद हो गया. जब आपका सॉल्ट नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाए, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस वक़्त तक जितने नंबर ऑफ ग्राम्स उसके अंदर डिसॉल्व हुए होंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 20 ग्राम डिसॉल्व हुए, 21वां ग्राम नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गया, तो मैं कहूँगा जी NaCl की सोल्युबिलिटी इज़ 20 ग्राम्स. तो सोल्युबिलिटी का जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ किसी सोल्यूट के अंदर कितने परसेंट सोलूबल हो सकती है. अब होता क्या है सोल्यूशन के अंदर, जब भी आप किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाते हैं तो सबसे पहला चेंज उसके अंदर क्या आता है, होता ये है कि वेन एवर अ सॉलिड सोल्यूट इज़ पुट इन टू द लिक्विड सोलवेंट. तो ये सोल्युबिलिटी की जो कंडीशन है, इसके अंदर हम जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो लिक्विड सोल्यूट हो, सोलवेंट जो है वो लिक्विड होगा और हमारा सॉलिड जो है वो सोल्यूट होगा. जैसा कि अभी हमने एग्जांपल स्टडी की सॉल्ट इन वाटर के अंदर, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट था और सॉल्ट वाज अवर सोल्यूट. तो जब भी एक सॉलिड सोल्यूट एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो क्या होता है उसके अंदर कि जोन से आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास इस सॉलिड के, दे ब्रेक, वो वाटर के अंदर या आपके लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जाके वो ब्रेक हो जाते हैं. अब जब वो ब्रेक होते हैं तो दे आर फ्री टू मूव. होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास बल्क ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट है, इसके अंदर जब सॉलिड आपने डाला ऊपर से, तो क्या होता है आपके पास तमाम के तमाम जो उनसे आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर आपका सोल्यूट बना होता है वो अलहदा हो जाते हैं, कि क्रिस्टल जो उनसा है वो टूट जाता है. द क्रिस्टल जो आपका बना होता है दैट ब्रेक्स, और अब आपके जो उनसे हैं मॉलिक्यूल्स या आयंस या जिन भी चीज़ से मिलके आपका सॉलिड सोल्यूट बना हुआ है वो फ्री होते हैं आपके लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मूव करने के लिए. और क्या होता है फिर उसके बाद, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक हमारा सिस्टम है, मैंने इसके ऊपर जो है अपना सॉलिड जो है वो पाउडर की शक्ल में डाल दिया, वो पाउडर की शक्ल में आया और फौरन जो है इस अपर सरफेस के अंदर जहाँ पे मैं डॉटिंग अभी शो कर रहा हूँ डॉट्स आपको, यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगा अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर. अब क्या होगा, अब इस प्रोसेस के अंदर होगी डिफ्यूजन. यहाँ पे चूंकि आपने सरफेस के ऊपर सॉलिड सोल्यूट डाला और ये यहाँ पे आके टूट गया, और यहाँ से अब ये डिफ्यूज़ होगा, मूव करेगा अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर फैल जाएगा. अगर आप इस चैप्टर का टॉपिक 1 रिकॉल करें जिसमें हमने सॉल्यूशन की बात की थी, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में ये बात थी कि दिस इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर.
होमोजेनस का मतलब है कि उसकी कंपोजिशन हर जगह सेम होगी। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के नतीजे में जो आपका सिस्टम है उसके अंदर सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो सिर्फ सरफेस के पास जो है वो कंजेस्टेड नहीं रहेंगे जैसे कि इस केस में था। तो आपने सोल्यूट डाला और सोल्यूट वाटर के अंदर या अपने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जाके उसके मॉलिक्यूल्स अलहदा हो गए और फिर डिफ्यूजन के थ्रू उन्होंने एक होमोजेनस मिक्सचर हमें दे दिया, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन जोन सा है वो आ गया। अब इसके अंदर ये जोन से सोल्यूट के पार्टिकल हैं ये रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहेंगे ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी जो कि उनके पास पोजेस कर रहे हैं, जो एनर्जी है उनकी वजह से ये एक दूसरे से मूव करते रहेंगे और एक दूसरे से टकराते रहेंगे। अब होगा क्या ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन, ये फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल्स है जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स करीब आए एक दूसरे से टकराए एंड देयर आर चांसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर चांसेस मौजूद हैं कि आपके पास वो जो मौजूद है सोल्यूट का पार्टिकल जो कि सेपरेट हो गया हुआ था वाटर में जाने के बाद वो एक दूसरे के करीब आए टकराए और वापस किस फॉर्म में आ जाए सॉलिड फॉर्म में आ जाए, चूंकि ये पहले क्रिस्टल था जो कि टूटा, क्रिस्टल था वाटर में गया तो टूट गया और फिर वाटर में मूव करते करते एकदम पास आया और सॉलिड बन गया, इस वजह से इस प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि दोबारा से इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो गई है, या फिर इसको आम अल्फाज में जो आपने वर्ड सुना है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि आपके पास सोल्यूट के अंदर जो है सोल्यूट के पार्टिकल्स जो कि अलहदा अलहदा थे वो जब एक दूसरे से टकराए तो उन्होंने वापस जोन सा है वो क्रिस्टल की शक्ल दे दी। अब नॉर्मली हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं नॉर्मली क्या होता है आपका जो सॉल्वेंट है वो एक्सेस क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास वाटर के अंदर आप एक चम्मच फॉर एग्जांपल 20 ग्राम्स NaCl डालते हैं और आपके पास जो एक गिलास पानी है वो कम से कम 250 ग्राम के पास होगा, तो 250 ग्राम के मुकाबले में 20 ग्राम इज़ एक्सेस, हम कहते हैं जी सॉल्वेंट हमारा एक्सेस क्वांटिटी में है। और जब भी सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद होगा तो आपके पास जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है जिस रेट से आपका सोल्यूट अंदर जाके डिजोल्व हो रहा है वो रेट करीब करीब बराबर होगा रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन के, कि जो अंदर आपकी क्रिस्टलाइजेशन होनी है। तो हम कहते हैं जी कि आपका सिस्टम किसके ऊपर है इक्विलिब्रियम के ऊपर है, और इक्विलिब्रियम के बारे में आपको खासी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और 8वां चैप्टर तमाम का तमाम इसी टॉपिक के ऊपर था। तो इक्विलिब्रियम हम जो है वो मेंटेन कर लेते हैं जब भी आपके पास सोल्यूशन बनता है, और इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है, आप फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने जाते हैं एग्जाम्स के दिनों में या उससे पहले, तो वो कहते हैं जी कि वी आर सैचुरेटेड, हमारे पास क्या है जगह नहीं है, हम मज़ीद स्टूडेंट्स को एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट आप लेके यही चीज़ यहाँ पर चलेंगे कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिक्विड था जो कि 25 डिग्री C के ऊपर मौजूद था, मैंने इसके अंदर 20 ग्राम NaCl डाल दिया, ये मेरे पास वाटर था, ये 20 का 20 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व हो गया, ये मेरे पास NaCl सॉल्यूशन आ गया। मैंने क्या किया, मैंने एक 21वां ग्राम जब इसके अंदर डाला 21st ग्राम, तो वो डिजोल्व नहीं हुआ, वो नीचे सेटल डाउन हो गया। मतलब क्या कि अब 25 डिग्री C के ऊपर 20 ग्राम NaCl डालने के बाद जो मेरे पास सोल्यूशन बना है दैट इज दी सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि अब उसके पास मज़ीद 1 ग्राम पे जो हमने 21वां डाला उसको डिजोल्व करने की जगह नहीं है, वो अब सैचुरेटेड हो चुका है, वो मज़ीद मॉलिक्यूल्स को मज़ीद आने वाले सोल्यूट को एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एट अ गिवन टेम्परेचर आपके पास जब मज़ीद सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए तो हम कहते हैं हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो
बन चुका है। तो अब हम जो है सोलुबिलिटी की जो डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि शुरू में तो हमने पढ़ी सोलुबिलिटी की डेफिनेशन के 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जितने होंगे वो हमारे पास सोलुबिलिटी कहलाएगी। लेकिन अब जो हमने उसके बाद सारी डिस्कशन की है, दैट टेक्स अस टू द कंक्लूजन कि सोलुबिलिटी क्या है। सोलुबिलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर आपके सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है कब, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम के साथ है विद द सॉलिड सब्सटेंस। ये जो हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की तो वो यही बात थी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एट अ गिवन टेम्परेचर। अब मैं अगर आप इस बात को भी नोट करें तो इस पे भी हमने आगे चल के खासी डिस्कशन करनी है कि वाई वी कीप ऑन कंसंट्रेटिंग ऑन द गिवन टेम्परेचर। खैर, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी। कब? जब आपका सोल्यूट जो है वो इक्विलिब्रियम में है सॉलिड के साथ, जो डिजोल्व सोल्यूट है वो सॉलिड सोल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो क्या है, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ये था हमारे आज के टॉपिक का पहला पार्ट जो कि हमने सोल्युबिलिटी को टर्म्स किया। अब वो कहते हैं जिसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो एक्सप्रेशन इसका इस डेफिनेशन से आएगा कि ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। अब बात करते हैं इट गिवन टेम्परेचर की, टेम्परेचर के ऊपर सोलुबिलिटी डिपेंड कर रही होती है। अगर मैंने 25 डिग्री सी के ऊपर 20 ग्राम डिजोल्व किया था NaCl, तो मैं 100 डिग्री सी के ऊपर इसकी क्वांटिटी 20 नहीं रहेगी, ये कम या ज़्यादा होगी। तो पता चला कि सोलुबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, आपके टेम्परेचर पे ये सोलुबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब क्या डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है या ज़्यादा होती है, वो हम इसी टॉपिक के अगले हिस्से में स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इसके एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं जी कि NaCl की सोलुबिलिटी है 37.5 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी। तो दिस इज हाउ वी रिपोर्ट आवर सोलुबिलिटी, के जब भी हम सोलुबिलिटी की बात करेंगे हम इस तरीके से लिख के उसको रिपोर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपके पास CuSO4 की, तो CuSO4 की सोलुबिलिटी होती है 14.3 पर 1000 ग्राम, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी। और अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने डिटेल में कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया अबाउट द सोलुबिलिटी। अब एक छोटी सी और बात कि हाउ वी डिटरमिन द सोलुबिलिटी, हम सोलुबिलिटी जो है वो पता कैसे चलाते हैं किसी चीज़ की। हमने कहा जी कि 37 ग्राम जो सी है वो NaCl की सोलुबिलिटी थी एट 0 डिग्री सी, तो हमें कैसे पता चला कि 37 ग्राम डिजोल्व होता है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन का जिसकी हमने सोलुबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तैयार किया जाता है तो उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो हमें तो नहीं पता कि 37 ग्राम के बाद ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, तो हम तो ग्राम्स डालते जाएंगे। 37 ग्राम वाला इसके अंदर डिजोल्व हो गया, ठीक है, उसके बाद लेकिन हमें तो नहीं पता था, हमने फॉर एग्जांपल 40 ग्राम्स डाल दिए, तो 40 जो है उसमें जैसे 3 ग्राम बचे वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। ये जो सेटलमेंट है इसको हम करेंगे फिल्टर, ताकि हमारे पास सॉल्यूशन जो आ जाए उसमें फिर सॉलिड कोई मौजूद ना हो, उसके अंदर फिर 37 ग्राम ही डिजोल्व होंगे। अब हमें नहीं पता कि ये 37 थे, हमने तो अंदाजे से डालते गए और कुछ नीचे बैठ गया, उसको हमने फिल्टर कर लिया। तो पहला स्टेप था सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना, दूसरा था उसको फिल्टर करना। अब फिल्टर करने के बाद हम इसकी करवा देते हैं इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को, इसको हम गर्म करते हैं पेट्री डिश में डाल के। क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे जो है आपके पास इसके ऊपर
सॉलिड जो है वो बचना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब इसके अंदर सॉलिड डिजोल्व था, सॉल्वेंट जब उड़ गया तो पीछे बच गया सॉलिड, और सॉलिड किस फॉर्म में बचेगा? क्रिस्टल की फॉर्म में। तो उस क्रिस्टल का वेट जो है हम निकाल लेंगे। हम 100 ग्राम अपने लेके उसको चले थे, तो हमें पता चल गया जी कि 100 ग्राम के अंदर कितना इसका जो वेट आएगा इस वाले सॉलिड का, वो हमारी सोलुबिलिटी होगी। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द सोलुबिलिटी ऑफ एनी सोल्यूट। यहाँ तक तमाम चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम जा रहे हैं सोलुबिलिटी कर्व्स की तरफ। सोलुबिलिटी कर्व्स का क्या मतलब है? अभी हमने बात की थी कि आपकी जो सोलुबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर जो सी है वो उसकी सोलुबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन सोलुबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो हमारे पास दो तरह के कर्व जो से हैं आते हैं। नंबर वन इज द कंटिन्यूअस कर्व एंड नंबर टू इज द डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व। ये क्या है, इनको अब हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। दिस इज वाई एक्सिस जिसके ऊपर सोलुबिलिटी है जो कि इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स होगी, और ये चलती जाएगी। और ये जो है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर होगा जो कि इस तरफ बढ़ता जाएगा 10, 20, 30 एंड सो ऑन। अब जब हम किसी खास जो है कंपाउंड की हम सोलुबिलिटी जो है वो स्टडी करेंगे, तो हमारे पास एक कर्व आएगा। हम कंसीडर कर लेते हैं आपके बुक में कुछ ग्राफ में काफ़ी सारे कंपाउंड्स बने हुए हैं। हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक को जो है, कुछ एक दो को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक हम फाइंड आउट करते हैं जी Na(NO3) की। दूसरा हम केस लेते हैं हमारे पास जो है KNO3, और तीसरा हम ले लेते हैं NaCl का, और नंबर फोर जो है कर्व हम स्टडी कर लेते हैं सीजियम सल्फेट का। अब NaNO3 का कर्व अगर आप अपनी बुक में देखें तो वो यहाँ पे जाके इस तरह का आएगा। सिमिलरली अगर आप KNO3, ये है जी NaNO3, KNO3 का ग्राफ अगर आप देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का आता है। NaCl, NaCl 37 होता है और वो करीब करीब इस तरह आता है दिस। और जो चौथा है और आखिरी दिस इज, इसका ग्राफ थोड़ा सा उल्टा है, Fe2SO4 होल थ्राइस एंड दिस इज NaCl। तो यहाँ से इस ग्राफ को देखते हुए पहली बात जो पता चली वो ये है कि हर कंपाउंड का डिफरेंट सोलुबिलिटी कर्व होगा। जाहिर सी बात है, अब NaNO3 है, ये टेम्परेचर के बढ़ने से इसमें खासा चेंज आता है, ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया कर्व। अब KNO3 की बात करते हैं, 10 से शुरू हुआ, एकदम से रैपिड चेंज आया इस एरिया में कि 10 से 20 पे जब टेम्परेचर गया तो ये 10 से 30 में आ गया, लेकिन जब 20 से 40 पे गया तो ये 30 से जो है मजीद बढ़ना शुरू हो गया। तो कम टेम्परेचर के साथ ये बढ़ेगा। NaCl का ग्राफ अगर आप देखें तो ये शो करता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे भी 37 था और यहाँ पे जाने के बाद भी ये करीब करीब 37 ही है। तो यहाँ से पता चला कि NaCl जो है वो टेम्परेचर पे इतना डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये कंपाउंड जो सीजियम सल्फेट है ये हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, और वो ये है कि ये ऊपर से नीचे जो है आ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो पता ये चला कि टेम्परेचर पे डिपेंड तो करती है सॉल्युबिलिटी, लेकिन देर इज़ नो जनरल ट्रेंड। आप कोई जनरलाइज नहीं कर सकते, आपके पास हर कंपाउंड की डिफरेंट कर्व आएगी। तो ये कंटिन्यूस कर्व्स थी। नेक्स्ट है जी डिसकॉन्टिन्यूस कर्व्स। डिसकॉन्टिन्यूस कर्व्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम देखते हैं ग्राफ को जो आपकी बुक में बना हुआ है। दिस इज टेम्परेचर, दिस इज सोलुबिलिटी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये है आपके पास और एक आपके पास ये है। तो दीज आर द कर्व्स ऑफ टू कंपाउंड्स जो कि क्या है, दिस इज Na2SO4.NH2O एंड दिस इज Na2SO4।
ये आपके पास है जी सी ए सी एल 2.6 H2O, ये है जी सी ए सी एल 2.4 H2O, एंड दिस इज अगेन सी ए सी एल 2.2 H2O। ये जो वाटर आपके कंपाउंड के साथ अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड द वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसके बारे में भी हम पीछे स्टडी करके आए हुए हैं थोड़ा सा, कि जब भी आपका जो है मोल सोल्यूट डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में जाके, वो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर लेता है, अपने साथ घेर लेता है, और जब वो ठंडा होता है या जब वो सॉलिडिफाई होता है, जब वो क्रिस्टलाइजेशन की अमल से गुजरता है, तो उसके अंदर वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एंट्रैप हो जाते हैं। और अब हम जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसके अंदर से मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है, वो डिसॉल्व होगा और वो मॉलिक्यूल्स निकलते जाएंगे। तो यहाँ से इस कर्व को अगर आप देखें, तो चूंकि इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स अटैच थे, तो ये अपनी एक कर्व देगा, और जब 10 मॉलिक्यूल इससे अलहदा हो जाएंगे, तो फिर ये एक अपनी कर्व देगा। सिमिलरली 6 मॉलिक्यूल्स के साथ ये कर्व, 4 के साथ ये, और 2 के साथ ये। तो इस वजह से वो तमाम मॉलिक्यूल्स या वो तमाम कंपाउंड्स हु हैव द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इन देम, दे गिव अस द डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। वो हमारे पास उनकी सोलिबिलिटी कर्व सिंगल लाइन नहीं आती, वो एक डिफरेंट कर्व्स की शक्ल में आती है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कर्व्स जो कि हमारे पास ऑब्टेंड होते हैं जब भी हम स्टडी करते हैं सोलिबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। एंड दीज टू कर्व्स और इनमें डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे एक आखिरी डेफिनेशन आती है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की। ये बहुत ही आसान और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सोल्यूट है, और इस सोल्यूट के अंदर मेरे पास इम्प्योरिटीज जो सी हैं वो एड अप हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब इस सोल्यूट को मैं प्योरीफाई कर दूँ, मैं इसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, नमक के अंदर मेरे पास जो है वो रेत मिक्स हो गई है, सैंड प्लस सॉल्ट यानी सील। आपके पास नमक का छोटा छोटा ज़र्रा होता है, उसी तरह रेत के भी छोटे छोटे ज़र्रात हैं, तो आप उनको सेपरेट मैनुअली या फिज़िकली नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की जो है वो अप्रोच लगा लेते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेरे पास एक सोल्यूट था एस, और उसके अंदर एक इम्प्योरिटी थी आई। अब सोल्यूट जो है ये लेस डिजोल्व, लेस सोलूबल है मेरे पास, और आई जो है ये हाईली सोलूबल है। मैं क्या करूँगा, इस एस और आई के कंपोनेंट को उठा के अपने सॉल्वेंट के अंदर डाल दूंगा। ये एस और आई दोनों अब इसके अंदर आ गए और आके डिजोल्व हो गए। अब ये चूंकि मेरे पास लेस सोलूबल था, ये ज़्यादा सोलूबल था, मैंने क्या किया, इसका सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद इसको पेट्री डिश में डाल के ठंडा करना शुरू कर दिया, कूलिंग। कूलिंग से क्या होगा कि आई जो है ये इसके अंदर ज़्यादा डिजोल्व सोलूबल था, तो ये क्रिस्टलाइजेशन के अमल में से नहीं गुजरेगा, ये क्रिस्टल इसके नहीं बनेंगे। एस जो हमारा सोल्यूट था जिसको मुझे प्योरीफाई करना था, वो इसके अंदर लेस सोलूबल था, एस वॉज लेस सोलूबल और आई वॉज हाईली सोलूबल। तो एस क्या करेगा, एस चूंकि लेस सोलूबल था, तो ठंडा होने पर एस फ़ौरन जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, जबकि आई जो है वो अभी भी डिजोल्व फॉर्म के अंदर रहेगा। तो इससे क्या हुआ, मैं ऊपर से अपना बनने वाला क्रिस्टल जो है वो अलहदा कर लूँगा, और वो क्रिस्टल किसका होगा, एस का, और इसके अंदर आई मौजूद नहीं होगा। और इस तरीके से मेरा क्रिस्टल जो है वो प्योर निकल आया, मेरा जो सोल्यूट है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज आई मिक्स थी वो सेपरेट हो गई, वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रह गया आई, और एस जो है मेरे पास क्रिस्टल की शक्ल में बाहर आ गया। और इस तरह से इस अमल को हमने कहा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि सोलिबिलिटी की बेस के ऊपर एक सेपरेशन टेक्निक है। जैसे डिस्टिलेशन थी जो बॉइलिंग पॉइंट पे अमल करती थी, ये क्रिस्टलाइजेशन है जो कि अमल करती है उसकी सोलिबिलिटी के ऊपर, कि अगर दो चीज़ें मौजूद हों और एक लेस सोलूबल हो और एक हाईली सोलूबल हो, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस वी कॉल फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर का काफ़ी सारा मेजर हिस्सा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो है वो बढ़ेंगे।